सबसे मेजर गलती मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि उन्हें लगता है मैंने जो 11th 12th के एग्जाम दिया है, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दिए हैं, बस वैसा ही एग्जाम है। बट ये CA, CS, CMA के जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये एग्जाम थोड़े से प्रोफेशनल लेवल है, कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स है। यहाँ लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ प्रेजेंटिंग इट इज टोटली डिफरेंट। और स्टूडेंट को ये रियलाइज कब होता है पता है, जब वो एग्जाम देने जाता है पहली बार, और उसके लिए वो जो पहला एग्जाम देता है वो उसका मॉक टेस्ट बन जाता है फिर, और जब दूसरा अटेम्प्ट देता है तब उसको एक्चुअल में समझता है करना क्या है, जो कि मुझे लगता है पर्सनली बहुत ज्यादा गलत है। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसके पहले उसका एक बार मॉक टेस्ट होना चाहिए। आप भले कोई मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज लगाइए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से सॉल्व करिए। खुद से सॉल्व करने का भी फायदा है, आप चेकिंग कैसे करते हो, यानी कि एग्जामिनर चेकिंग कैसे करता होगा, कौन से चीज़ को मार्क करके मार्क्स कट कर रहा है या कहाँ पे मार्क्स दे रहा है, ये समझने आएगा। तो खुद से पेपर लिखिए, खुद से पेपर सॉल्व करिए कम से कम एक बार, और ये एग्जाम के कम से कम एक महीना पहले हो जाना चाहिए, ताकि वो 1 मंथ का आपको बफर पीरियड मिले जहाँ पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो।